बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, आर्थिक रूप से आपकी मुश्किलें कम होती दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको बेहतर धन की प्राप्ति होगी और धन की आपकी तमाम समस्याएं इस समय दूर होंगी। संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आपको दिख रहा है और आपका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का वृषभ राशि। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है, उसमें लापरवाही मत करिएगा। बेवजह के विवादों से बचिएगा। अगर भगवान शिव को आप जल अर्पित कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मुश्किलें ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करनी होगी, भाग्य थोड़ा कम है। मिथुन राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता दिखाई दे रही है। घर में किसी अतिथि का आगमन होता दिख रहा है। इस समय अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या जीवन से जुड़ी हुई इस समय आपकी हल होती दिखाई दे रही है। धन का लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है और इस समय किसी मित्र की सहायता से, उसके सलाह से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा फिरोजी, यानी टर्क्वाइज, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे उतने ही ज्यादा होंगे। सिंह राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलता दिख रहा है। करियर में सफलता की संभावना दिख रही है और इस समय आपके लिए आकस्मिक धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बने। कन्या राशि, स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या इस समय परेशान कर सकती है। धन हानि से आपको बचाव करना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की जल्दबाजी इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा और इस समय किसी बड़े की सलाह से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। सेहत की स्थिति आपकी बेहतर हो रही है। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। धनु राशि, करियर में आपको इस समय सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय नए पद का लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मकर राशि, चोट चपेट लग सकती है, चोट की चपेट में आ सकते हैं, थोड़ी सावधानी रखिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा और अनावश्यक तनाव मत पालिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेवजह की चिंता मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें घटें और आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा दीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है।
कुंभ राशि, सेहत की स्थिति आपकी लगातार बेहतर होती दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो अपने निर्णयों में सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मीन राशि, दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी आपकी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। संतान पक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी हल होंगी हालांकि, लेकिन इस समय कैरियर में बदलाव से बचिए, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।